पालीताणामां खतरगत समाजना 1000 वर्ष निमित्त सहस्त्र शताब्दी महोत्सव अंतर्गत ગુજરાતના રાજ્યપાલે ડાક ટિકિટની સિક્કાનું વિમોચન કરાયું। ખતરગત સમાજના 1000 વર્ષ પૂર્ણના અવસર પર છેલ્લા 8 માસથી પાલીતાણામાં પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી જીન પિયુષ સાગર સેવેશ્વરજી મહારાજ સાહેબની નિષ્ઠામાં ચતુર્માસ ઉપતાનનો 99 યાત્રા સહિતના અનેક કાર્યક્રમો યોજાયા, જેમાં 3 દિવસીય વિવિધ કાર્યક્રમોના અંતર્ગત બીજે દિવસે ગુજરાતના રાજ્યપાલ પાલીતાણા આવ્યા હતા। આ 3 દિવસીય મહોત્સવમાં ખતરગત સમાજના ભારતભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો સહભાગી થવા પહોંચ્યા, જેમાં બીજે દિવસે એટલે કે 26 ડિસેમ્બરના રોજ નિયત સમય મુજબ 11:05 ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ પાલીતાણા સૌરોત્તર ભવનમાં પહોંચ્યા હતા। તેનું સમિતિ વતી સાફા બૈરાની સન્માન કરાયું હતું। રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી પાલીતાણા ખાતે શ્રી ખતરગત સહસ્ત્રાબ્દી મહોત્સવના સમાપન સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા। ખતરગત પ્રવર્તક આચાર્ય શ્રી જિનેશ્વર સુરેજીના સન્માનમાં રૂપિયા 1000ના ચાંદીના સિક્કા અને ટપાલ ટિકિટનું અનાવરણ, જૈન ધર્મના સિદ્ધાંત અને દર્શન ક્યારેય જૂના નહીં થાય હંમેશા પ્રસ્તુત રહેશે। મેં નરેન્દ્ર કુમાર પારખ, અધ્યક્ષ ઋષભ જિનેશ્વર પેઢી ટ્રસ્ટ પાલીતાણા का बोल रहा हूँ। आज 26 दिसंबर को हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ हमारे 1.5 घंटे शिरकत किए प्रोग्राम में, और उनके जो 40 मिनट का जो उद्बोधन था वो इतना सारगर्भित था। पूरे भगवान महावीर स्वामी अहिंसा, परमो धर्म, जियो और जीने दो के सिद्धांतों पे, वेद उपनिषदों के सिद्धांतों पर हमारे उन्होंने पूरे समाज को जगाया, और जिस भाषा से और जिस ऊर्जा से उन्होंने हमको ये अपनी वाणी सुनाई, ऐसा लगता था कि कोई गुजरात के गवर्नर ही कोई संत पुरुष बोल रहे, भारतवर्ष के कोई बाहर से कोई आए महान ज्ञानी आदमी, वेद उपनिषद के, हमारे हिंदुइज्म के, सनातन के कोई ज्ञानी आदमी हमको प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। हम पूरे ऋषभ जिनेश्वर पेढ़ी ट्रस्ट की ओर से, खतरगत सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, उनके बताए हुए हमारे जैन सिद्धांतों को फिर हमारे सब लोगों ने अमल करने की हमने शपथ लिया है, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमको गवर्नर साहब इस तरीके का समय दें और हम लोग जैन समाज आगे भी गौरवान्वित महसूस करते रहें। इस छोटे से कार्यक्रम में हमको इतने बड़े लोगों ने हमको जो समय दिया, हम उनके परम आभारी हैं, और हमारे कार्यक्रम की में 4 चांद लगाया उन्होंने, खूब शोभा बढ़ाई, साधु संतों के साथ उनका परामर्श जो हुआ वो अपने आप में अविस्मरणीय रहा, और इस तरीके का आयोजन कार्यक्रम में ऐसे महापुरुषों का आना हमारे जैन समाज के लिए बड़े गौरव की और सम्मान की बात है। हम जैन समाज के लोग राष्ट्र के हर कार्यक्रमों में, चाहे वो डोनेशन का काम हो, छोटों को काम हो, शिक्षा क्षेत्र का काम हो, चिकित्सा क्षेत्र का काम हो, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके राष्ट्र के प्रति हम अपनी वफादारी पेश करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। जय जिनेन्द्र। आज खतरगत समुदाय का परम पुण्योदय, परम सौभाग्य कि इस पालीतना की पवित्र पावन भूमि में खतरगत का 1 वर्ष का सहस्त्राब्दी वर्ष, जो खतरगत के 1000 साल पूर्ण हुए, मनाने का सुअवसर आचार्य श्री छत्तीसगढ़ देवेश संयम सारथी पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं शताधिक साधु साध्वी भगवान एवं पूरे हिंदुस्तान से उपस्थित 10,000 लोगों के बीच में ये महोत्सव मनाने का स्वर्ण अवसर आचार्य भगवंत की कृपा से इस शत्रुंजय की पावन भूमि में हमें प्राप्त हुआ। आज 26 तारीख को, 26 दिसंबर के दिन, इतिहास को साक्षी बनाने के लिए, इतिहास को चिरस्थायी बनाने के लिए आज भारत सरकार के द्वारा सहस्त्राब्दी के निमित्त, 1000 वर्ष के महोत्सव के निमित्त, खतरगत के 1000 वर्ष के निमित्त एक डाक टिकट एवं एक रजत चांदी का सिक्का परम सद्य आचार्य देवव्रत जी, माननीय राज्यपाल गुजरात के द्वारा अनावरण किया गया, एवं हम उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला और अपने उद्बोधन में जो उन्होंने ज्ञानवर्धक बातें की, वो हम सभी उसको अपने जीवन में
उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। पुनः राज्यपाल महोदय, जिला प्रशासन भावनगर, पूरा जिला प्रशासन चादर पालिता नगर प्रशासन, नगर निगम एवं सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस 1000 वर्ष के महामहोत्सव को सफल बनाने अपनी सहयोगिता प्रदान की।